दादा ये मूर्ति तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा ये तो लक्ष्मी नारायण का मूर्ति है ना? ये कितना फुट का मूर्ति है? रेडीमेड में आपको कोई भी ऐसा फिनिशिंग दे नहीं पाएगा। कलकत्ते की ऐसे जगह में जहाँ पे मार्बल की मूर्तियाँ बनता है और बनके रेडी भी होता है यहाँ से और बाहर में भी जाता है यहाँ से मूर्तियाँ। यहाँ का मूर्ति का जो साइज है वो हम आपको दिखाएंगे और दादा से बात भी करेंगे। दादा यहाँ पे अगर कोई आएगा तो कैसे आएगा? हावड़ा से या कलकत्ते का कहीं भी जगह से कैसे आएगा? देखिए ये तो पहला बात है जी, यहाँ पे जो आपने मेरा नंबर दिया हुआ है वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उसमें क्या है कि कई तरह से लोकेशन है। कोई आदमी बाहर से आ रहा है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर देगा तो मैं उसकी लोकेशन भी सेंड कर देता हूँ। या जैसे कि यहाँ फेमस जगह है रविंद्र सर ने जुड़ा सा ठाकुर भाई, हवा से भी कोई भी बास आता है तो सेंट्रल रेलवे में होके आता है, ये एम जी रोड होके आता है। दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम है गुप्ता मार्बल 259A रविंद्र सरनी कलकत्ता 7। ये जो पड़ता है एकदम पूरा रविंद्र सरनी का जो बिग बाजार है, बिग बाजार के एकदम नज़दीक में पड़ता है, वैसे भी ये लोकेशन बिग बाजार भी आ जाता है। कोई भी चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आ सकता है, या तो कांटेक्ट करके उसके आपको फिर भी हम जान लेंगे यहाँ का मूर्ति का प्राइस कितना होता है और कितना छोटा मूर्ति से कितना बड़ा तक मूर्ति यहाँ पे होता है। तो अभी हम आए हैं गुप्ता मार्बल का जो फैक्ट्री है जहाँ पे मूर्ति बनता है उसके अंदर, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा मूर्ति यहाँ पे बन के रेडी हो रहा है। यहाँ पे आपको सब मूर्ति मिल जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे है अभी ये जो है ये माँ ममता का मूर्ति है, इसका हाइट है आपका 5.5 फीट का। ये मूर्ति का हम लोग पहले इस तरह का सब बना के लेके आते हैं, जैसे कि इस तरह का देख रहे हैं ये जो मूर्ति है, इसका चेहरा भी बना हुआ है, तो इसका कटिंग यहाँ पे होता है। ये हम लोग का एक्सपर्ट कारीगर है जिसका चेहरा बनाते हैं, पहले बनने के बाद उसका फिनिशिंग आएगा, उसके बाद उसका पॉलिशिंग होगा, कलर होगा, सब कुछ होगा। जैसे कि ये माँ ममता है, ये हो गया शीतला माँ का मूर्ति, ठीक है। तो अंदर तो और भी मूर्ति है ना? हाँ हाँ, जो आओ अंदर आओ। ये जो स्टैचू है परमानंद महाराज की, ये भारत सेवा संघ का मूर्ति है, उनके साथ में हम लोग का मैंने फुल्ली काम होता है। यहाँ पे देखिए ब्लैक पत्थर का काली माता का मूर्ति और बहुत सारा व्हाइट पत्थर का मूर्ति भी है, और ये मूर्ति अभी बन के रेडी हो रहा है इसलिए कलर वलर कुछ लगा नहीं है। और यहाँ पे 6 इंची से लेकर 5 फीट तक का मूर्ति है इस फैक्ट्री में। और भी एक फैक्ट्री है बड़ा सा जो रीसरा में है गुप्ता मार्बल का, वो हम बाद में आपको दिखाएंगे कभी दूसरा वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे बजरंगबली का मूर्ति बहुत सारा हाइट का है, 1, 2, 3, 4 तो बजरंगबली का मूर्ति है और बहुत सारा मूर्ति भी है। दादा ये जो मूर्ति है ये कितने फीट का मूर्ति है? ये मूर्ति का 2.5 फीट का मूर्ति है। अच्छा, ये काली माता है, इसको सिद्धेश्वरी काली माँ बोलते हैं। अच्छा, तो ये सब मूर्ति यहाँ पे ही बनता है? हाँ, ये मूर्ति अधिकतर काम यहाँ पर ही होता है, चेहरा का काम, ये पॉलिश फिनिशिंग का काम, इसका कटिंग कुछ जब तक हम लोग बाहर से करवा लेते हैं, बाकी का यहाँ का फिनिशिंग होता है। अच्छा, और यहाँ पे जो मूर्ति बनता है ये मूर्ति सिंगल पीस का पत्थर का या मूर्ति जोड़ा जाता है? नहीं नहीं, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है, थोड़ा सा मैंने नीचे से पूरा होंगे पत्थर का बना हुआ है, इसमें जॉइंट पत्थर नहीं आता है। अच्छा, सिंगल पीस का। ये क्या ब्लैक पत्थर का? ब्लैक पत्थर का। ये आफ्टर पॉलिशिंग के बाद ऐसे फिनिशिंग आता है। अच्छा, मतलब पॉलिशिंग के बाद ये फिनिशिंग आएगा, ऐसा फिनिशिंग आ जाएगा ना, उसके बाद इसके ऊपर कलर पेंटिंग सब कुछ होगा। अच्छा, ये ब्लैक मार्बल का मूर्ति के ऊपर भी कलर आता है? सही तरह। अच्छा, जैसे कि देखिए ये जो चेहरा है यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है, इसको कटिंग करके इस तरह का चेहरा आया, ये इस तरह का चेहरा आता है। अच्छा, जैसे ये वाला मूर्ति का मुंह जैसे बना नहीं है, ये बन के रेडी होने के बाद ऐसा आ जाएगा ना? ये कला है, इसीलिए तो ये आप ये सब जो मूर्ति का फिनिशिंग और मुंह का जो
मतलब मूर्ति का जो मुंह होता है ये सब आप लोग ही बनाते हो? हाँ एकदम एकदम, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट इसीलिए हम लोग फेमस है, इसका चेहरा जो है इसी के ऊपर आदमी जो है पसंद करता है। हाँ, चेहरा अच्छा नहीं रहेगा तो एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हो कैसे ये सब बनता है अभी और कैसे ये फिनिशिंग का काम अभी हो रहा है। अच्छा दादा, और एक बात, यहाँ पे अगर कोई मूर्ति का फोटो ले के आता है तो आप लोग उस फोटो का मूर्ति बना पाओगे? हाँ एकदम, इसके लिए क्या होता है कि जो आपका फोटो है फोटो हमको लेना पड़ेगा, उसके बाद उसका मिट्टी का मॉडल बनेगा। तो मिट्टी का मॉडल क्या है कि जितना है उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद उसको हम लोग कॉम्पास में लेकर, जैसे कि ज्योमेट्रिक फॉर्मेशन होता है उसके अपने एग्जैक्ट नापी करके उसको बनाया जाता है, वो डिटो हो जाता है। दादा ये जो मूर्ति का साइज है ये कितना फीट का मूर्ति है? पाँच फीट का मूर्ति है। ये कौन सा संतोषी माता का मूर्ति है? शीतला माँ का मूर्ति है। तो इसका वजन कितना आ जाएगा? इसका मोटा मोटी 800 किलो के आसपास। 800 किलो। अच्छा दादा, और एक बात, आपका दुकान के अंदर जो फिनिशिंग वाला मूर्ति है तो उसका थोड़ा हम लोग देख लेंगे कितना प्राइस का, कितना मोटा मोटी प्राइस होता है तो वाला देखेंगे तो अच्छा होगा, है ना? चलिए, तो यहाँ पे अभी देखिए एक मूर्ति बन रहा है बजरंगबली का, यहाँ पे ही फिनिश होता है। तो अब देखिए कितना अच्छा इसका फिनिशिंग है, ये बजरंगबली का मूर्ति है। देखिए अंदर वाला जो बजरंगबली का मूर्ति था उसको ही यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है कलर देके। तो ये कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है बजरंगबली के ऊपर। यहाँ पे देखिए ये बाबा लोकनाथ का मूर्ति है, साईं बाबा का मूर्ति है। तो दादा यहाँ पे तो बहुत सारा मूर्ति अच्छा अच्छा दिख रहा है, तो ये सब मूर्ति तो यहाँ से ही बन के आता है ना? हाँ, आपका इसी फैक्ट्री से बनता है ना? हाँ, और ये जो कलर वगैरह जो फिनिश होता है सब यहाँ से होता है? मैक्सिमम ऐसे होता है या कुछ बाहर से भी आता है, जैसे कि मान लीजिए स्पेशल किसी कुछ काम करवाना है जो जहाँ का स्पेशलिस्ट है वहीं से हम लोग करवाते हैं। जैसे कि मैं कुछ खास चीज़ दिखाता हूँ, दुर्गा मूर्ति तो सभी बना लेते हैं, इतना छोटा मूर्ति में दुर्गा मूर्ति बनाना ये क्वाइट इम्पॉसिबल। ये हार्ड पत्थर में सबसे बेस्ट क्वालिटी का मार्बल का है। अच्छा, इसके जो इतना काम है, इतना बारीकी से इसके जो नाखून वखून बनाया गया, हाथ उठ का बना हुआ, पैर का जो फिनिशिंग किया हुआ है, यही है कारीगरी। बहुत मस्त लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मूर्ति रेडीमेड में आपको कोई भी ऐसा फिनिशिंग दे नहीं पाएगा। अच्छा, लेकिन इस मूर्ति का दाम भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये छोटा मूर्ति अगर आप, ये इटालियन मार्बल का होता है, ये थोड़ा नरम पत्थर का, जिसमें आपको 750-800 रुपये में मिल जाता है। ये वियतनाम पत्थर का है जो आज के डेट में टॉप क्वालिटी का पत्थर है, जिसका इसका दाम है 18,000 रुपये, 6 इंच साइज है। अच्छा, लेकिन दाम सुन के क्या होता है कला का? सच अगर आप भी सोचता है कि हमको सस्ता में माल चाहिए तो सस्ता में सस्ता ही चीज मिल सकता है, क्वालिटी चीज तो पैसे से ही आता है। हाँ बिल्कुल, हम लोग फिर भी चेष्टा करते हैं कि थोड़ा रीजनेबल में कुछ भी अच्छा। अच्छा, थोड़ा अगर कोई आता है यहाँ पे तो थोड़ा तो नेगोशिएबल होता है ना दाम? हाँ, एक्चुअली क्या है, उस हिसाब से हम लोग उनको कन्वर्ट करते हैं कि आपके बजट के हिसाब से मैं आपको उसको समझाता हूँ कि ये क्वालिटी में चाहिए। क्योंकि देखिए पत्थर होता है सभी जिंदगी भर रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि इसका चमक अच्छा है, उसका फिनिशिंग अच्छा है, तो कुछ जगह के जाके इंसान को भी या हम लोग को भी एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे आएगा तो मेरा वीडियो का नाम बोलेगा तो कुछ भी डिस्काउंट होगा ना? अच्छा ठीक है। और दादा यहाँ पे जो ऊपर का मूर्ति है, जैसे कि ये राधा कृष्ण जी मूर्ति देख रहे हैं, ये है मकराना का है। अच्छा, ठीक है, ये मकराना बोल के चलते हैं, ठीक है, दोनों ही ये भी मकराना का है, ये भी मकराना का ही है, राधा कृष्ण। अच्छा, राधा कृष्ण। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये है एक्चुअली मिनिमम चालू वर्क है। अच्छा, ये 10-12 इंची का मूर्ति है। अच्छा, ये वाला 10 इंची का है। हाँ, और ये वाला आपका 1 फुट का है ना?
तो इसका लगभग कितना प्राइस आ जाता है? जैसे कि सामने वाला 10 इंची जो है वो 5.5 हजार का है। अच्छा, वो है आपका 6,800 का। अच्छा, ये जो दोनों सिंगल सिंगल पीस बन के रेडी हुआ है, तो ये दोनों मिला के पेयर बोल रहे हैं आप? पेयर। और ये तो पूरा एकदम दोनों एक साथ? आप देखिए, ये मूर्ति में आपको 12 इंची का दिखाया कि जिसका दाम है अच्छा, दाम थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना? हाँ, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके कम दाम का भी है, बहुत रिजनेबल काम का भी है। ये यहाँ पे जितना भी मूर्ति है सब ये मूर्ति वियतनाम पत्थर का है? ये मैक्सिमम वियतनाम पत्थर का है। अच्छा, और ये जो कलरफुल जो मूर्ति है झीड़ी पत्थर का, राजस्थान का। अच्छा, ये कितना फुट का है? ये 2.5 फुट का है, 30 इंच। सच में यहाँ से मूर्ति का जो रूप देख के दूसरा कहीं जाने का मन नहीं करता है। आप लोग अगर देखोगे, यहाँ पे आओगे तो एक बार घूम के जाइएगा। जगह तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दादा का नंबर भी है, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और दुकान का अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा या कहाँ से आना है ये तो आप लोगों को बता दिया है, फिर भी अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो आप फ़ोन कर सकते हो उनको। दादा, यहाँ पे जो ऊपर का जो मूर्ति है शेरावाली माँ है। अच्छा, शेरावाली है, जिसके छोटे साइज का मैंने दुर्गा माँ का मूर्ति दिखाया ना आपको, उसी का है बड़ा साइज। ये देखिए, खास एक गणेश का मूर्ति। अच्छा, तो दादा और एक बात, यहाँ का जो मतलब मूर्ति वगैरह का दुकान है, यहाँ पे तो दुकान तो बहुत सारा है, बहुत सारा। लेकिन आपका दुकान का ऐसा क्या स्पेशलिटी है जिससे लोग यहाँ पे आएगा? बात ये है कि दुकान यहाँ पे तो 80% या 90% जो दुकान है वो आपका जो फॉर्म है ये तो बिजनेस ही करते हैं, लेकिन सबसे बात है कि कमिटमेंट अपनी जगह से होते हैं। जो कमिट हम करते हैं तो आदमी मेरे ऊपर भरोसा कब करेगा, जब मैं उसका क्वालिटी भी दूंगा ठीक और जो मैंने उसके हिसाब से कमिटमेंट किया वो भी मैं ठीक रखूंगा, तभी इससे आदमी आगे चलता है। मेरा भी वही काम है कि आपको बेटर चीज़ देना। और दादा, यहाँ से अगर कोई मूर्ति वगैरह आपको फ़ोन में ऑर्डर देता है तो कैसे उसको मिलेगा? मान लीजिए कि अगर फ़ोन करते हैं, फ़ोन में आपको मैं आपको कहता हूँ कि मूर्ति एक बार आपको देख लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि मान लीजिए कि मैंने आपको फ़ोटो में आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाया जिसको फोटो खींचने के तरह से उसको मूर्ति बहुत अच्छा लग रहा है, हकीकत ये भी नहीं हो सकता कि सामने आने के बाद मूर्ति अच्छा नहीं लगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तीसरी जान को बोलते कि आप ऑर्डर दे दीजिए, मैं मूर्ति बनाता हूँ, बनने के बाद अगर आपको मूर्ति पसंद नहीं आता मैं आपको या पैसा रिटर्न कर दूंगा या तो आप फिर मेरे को दोबारा टेस्ट दीजिए तो मैं फिर दोबारा बोला। देखिए, ये तो बहुत अच्छा बात हो गया कि आप अगर मूर्ति बना के लो, अगर मूर्ति बनवाने के बाद अगर अच्छा नहीं लगता है तो मूर्ति का पैसा भी आप रिटर्न दे दोगे। देखो, ये कोई नहीं देगा बॉस। जो मूर्ति आपको दिखा रहे हैं अभी, ये गणेश जी का मूर्ति है, देखिए बैठा हुआ है गणेश जी का। दादा, ये कितना साइज का मूर्ति है? ये भी 2.5 फीट का है, 30 इंची। 30 इंची का मूर्ति है ना? ये क्या मतलब कितना पत्थर का है? लगभग इसका कितना प्राइस आ जाएगा? 85,000। ये देखिए, ये सब मतलब अभी वीडियो में बोलने वाला प्राइस है, अगर आप आओगे तो थोड़ा बहुत कम बेसी हो जाता है, ये तो आपको भी पता है। तो आओ, यहाँ पे आके मूर्ति चूज़ करो और मूर्ति का जो रूप है वो पहले देखो, आपको पसंद आ जाएगा सब कुछ, फिर उसके बाद प्राइसिंग के बारे में बाद में बताना सबको।
अच्छा ये मूर्ति तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा ये तो लक्ष्मी नारायण का मूर्ति है ना। ये कितना फुट का मूर्ति है? 2 फीट का ना। और ये शंकर भगवान का मूर्ति 27 इंच। दोस्तों ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखना हो या वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा ताकि नया नया वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नया नया वीडियो लाते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और एक ख़ास बात, आप यहाँ पे आइए, तन्मय दास से मिलिए, बहुत ही अच्छा पर्सन है और आपका कोई भी अगर चीज़ पूछना है मूर्ति के बारे में आप उनसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर हम दे देंगे तो उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, क्योंकि हमको तो उतना नॉलेज है नहीं मूर्ति के बारे में, फिर भी हम कोशिश करते हैं आप लोगों को अच्छा चीज़ दिखाने का। जो चीज़ देख के आपको अच्छा लगता है वही चीज़ हम दिखाते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा।